सुप्रभात। आप जब भी कोई काम जल्दी में करते हैं तो आप उस पल में कभी भी पूरी तरह से सतर्क और सचेत नहीं होते और ना ही आपको उस पल का आनंद मिलता है। समझदार लोग मानते हैं कि जल्दबाजी चीज़ों को बिगाड़ने का काम करती है या आपके काम की दक्षता, विचारों और कार्यों को निष्पादित करने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसलिए सिर्फ भागते ही ना रहें बल्कि थोड़ा रुकें और एक पल के लिए धीमा हो जाएं। आज के इस लेख में, जो कि डॉक्टर करिश्मा आहूजा द्वारा है, मैं आपके साथ 5 टिप्स साझा करूंगी जिससे आप अपने जीवन के एक एक पल को धीमा करके बेहतरीन तरीके से बिता सकते हैं। पहला, महात्मा गांधी ने कहा है, केवल गति बढ़ाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। गांधी जी के ये शब्द हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य की याद दिलाते हैं कि हम हमेशा जल्दी में होते हैं। कहीं पहुंचने की जल्दी, लौटने की जल्दी, चीज़ों को पाने की जल्दी, पढ़ाई करने की जल्दी, खाने की जल्दी, यहाँ तक कि सोचने, बोलने और महसूस करने की भी जल्दी। हम ज़्यादातर जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। क्या आपने सोचा है कि यह आदत हमारे साथ क्या कर रही है? इसका प्रभाव किस तरह हमारे जीवन पर पड़ रहा है? हमारे मन और शरीर के साथ क्या होता है जब हम इस तरह से रहना जारी रखते हैं? इस तरीके से जीने का नतीजा यह है कि आपकी कोशिकाओं को कभी आराम नहीं मिलता और शरीर हमेशा तनाव में रहने लगता है, जिससे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा, सोचिए, अगर प्रकृति भी जल्दबाजी में होती, क्या जल्दी में फल सब्जियां अच्छी तरह से विकसित हो पाते? आज आपने जीवन के हर पल का आनंद लेने के लिए एक प्रतिबद्धता बनाने की आवश्यकता है। यह समझें कि प्रकृति अपनी गति से काम करती है और फिर भी यह प्रचुरता और खुशी से भरी है। इसी तरह यह महसूस करना शुरू करें कि अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना अपने गंतव्य के बारे में चिंता करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केवल एक कार्य पूरा करने के बारे में चिंता ना करें, यह सोचें कि इसे कैसे करना है। यह रवैया आपको जीवन में सफलता, खुशी और शांति प्रदान करेगा। तीसरा, जब आप किसी से बात करते हैं तो उस दौरान तनाव मुक्त रहें, उन्हें शांति से देखें और बोलें। अपने शब्दों को स्पष्ट, नर्म और मीठा रखें। इसी तरह जब आप कोई कार्य पूरा कर रहे हैं तो उसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचें और करें। अपने कार्यों के बीच में गहरी सांस लें, इससे मन को स्पष्टता मिलती है और कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक शारीरिक शक्ति भी। चौथा, रोज सुबह कुछ मिनट के लिए मौन में बैठें, अपनी सांस का निरीक्षण करें, अपने शरीर में संवेदनाओं को महसूस करें। इससे आपके दिमाग और शरीर को आराम मिलेगा। नियमित रूप से ऐसा करने से आपकी उत्पादकता में सुधार होगा। साथ ही यह प्रयास आपको एक शांतिपूर्ण व प्यार करने वाला व्यक्ति बनाएगा। पांचवा एवं आखिरी, जब जीवन बहुत जटिल या तनावपूर्ण हो जाता है तो बस थोड़ी सी ताज़ी हवा और ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए कुछ समय प्रकृति के साथ बिताइए। यदि यह भी संभव नहीं तो मानसिक रूप से विश्राम के स्थान पर होने की कल्पना करें। वहां अपने मन की गहराइयों में जाने का प्रयास करें। यकीन मानिए, ऐसा करके आप अधिक आत्मविश्वास, आराम और प्रेरित महसूस कर वापस आएंगे। इन आसान सी 5 टिप्स को, जो कि डॉक्टर करिश्मा आहूजा बता रही हैं, यदि हम अपने जीवन से जोड़ लेते हैं और एक एक पल को पूरी तरह से अवेयर होके, कॉन्शियस होकर जीते हैं, तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बेहतरीन बदलाव आने शुरू हो गए हैं। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि इन 5 टिप्स में से आपकी सबसे फेवरेट टिप कौन सी थी। आपका दिन मंगलमय हो, हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।